हेलो नोमैड फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और हम लोग यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। जितना प्लान था वो सब चेंज हो गया, भाई का कुछ काम आ गया जोधपुर में, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट जोधपुर के लिए निकलेंगे और 3 घंटे लगेगा तो 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। और ऐसा कुछ था अपना रूम जो कि पूरा मेस्ड अप हो रखा है, ख़त्म हो रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बिस्किट का पैकेट 5-10 रुपये वाला 40 का है और ये कितने का था, 250 का ना रेट यहाँ लिखा है। वैसे अगर देखना आप देख सकते हैं, चाय की कीमत 60 रुपये और रोटी 50 रुपये की एक। तो ऐसा कुछ सिस्टम था इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं किया। तो अब निकलते हैं यहाँ से, सामान वगैरह अपना सारा पैक है, मिलते हैं गाड़ी में। बट प्रॉपर्टी नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है और लोकेशन बहुत अच्छी, बस वही है ओवर प्राइस है यार। इस वजह से इतना कुछ खाने पीने का सिस्टम नहीं कर सकते आप यहाँ पे। हाँ, अगर आपके पे जेब में बहुत पैसा है तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। और ये फाउंटेन छोटा सा, चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, लोड करते हैं खुद को भी और सामान को भी। चलो भैया पेट पूजा करते हैं अब क्योंकि टाइम हो गया सुबह के 9:45 और ये है होटल वृंदावन। पहला आइटम अपना आ चुका है पोहा, अभी और क्या क्या आएगा? सैंडविच, वेज सैंडविच विथ चीज एक, और ब्रेड बटर एक, दो चाय और कॉफ़ी अभी यानी बाकी है, आता जाता है दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट अपना हो गया, अब चलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं आगे जोधपुर के लिए।
गंदे काम नहीं करना, गंदे काम ना करने, वो गंदे काम करने में ये तो अत्यंत गलत बात है यार। चलो ये पढ़ते हैं, यहाँ पे 148 किलोमीटर 3 घंटे की डिस्टेंस है। हेलो साहब, फाइनली सीएनजी पंप मिल गया पाली के। जल्दी हो गया यार, आज तो आते आते अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 11:30, सुबह कह लीजिए दोपहर जैसा फील आ रहा है। पूरा गर्मी बहुत है, एसी चल रही फुल पे, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं है। इतना मतलब टेम्परेचर आई है 40 डिग्री के करीब है टेम्परेचर, और अभी पाली पहुंच चुके हैं और ओम बनना का डिस्टेंस यहाँ 20-25 किलोमीटर अभी और चलेंगे, तो वहीं पे अपना एक स्टॉपेज लेंगे, फिर वहाँ सीधा जोधपुर के लिए निकलेंगे। और आज है 1 अप्रैल, बेवकूफ़ों का दिवस। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ऐसा दिवस बनाया है बेवकूफ़ों के लिए, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। यही है ना ओम बन्ना, फाइनली पहुँच चुके हैं ओम बन्ना मंदिर पे। अब यहाँ पे दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सबसे पहले ये मतलब ये पीछे इनका गांव है चोटीला, चोटीला गांव। हाँ, चोटीला गांव के थे ये बन्ना, हाईवे पे निकले थे किसी काम से, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो आफ्टर एक्सीडेंट बॉडी तो ले गए, उनकी बुलेट यहीं पड़ी थी एक्सीडेंट एरिया में। यहाँ से पुलिस वाले उठा के रोहित थाने में ले गए, रोहित थाने से वो गाड़ी ऑटोमेटिकली चल के वापस यहाँ आ गई जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसा 2 बार हुआ, फिर इनके गांव वालों ने वहाँ उनका थान बना दिया, मतलब मंदिर बना दिया जहाँ बुलेट यही इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, पहले बहुत छोटा थान था, अब बहुत डेवलप कर दिया। अच्छा, यहाँ मान्यता यह है कि यह है कि जो भी यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा सफल होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मंदिर वगैरह किसने बनाया? इनके गांव वालों ने, जो ये गांव है ना पीछे, क्या नाम था उस गांव का? किला चोटीला। हाँ, अभी इनके पेरेंट्स जिंदा है, माता पिता भी वहीं रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं। हाँ, मम्मी पापा भी, मतलब वो जवान थे बिल्कुल, 20-25 साल की एज में थे। पर ये है कि जो भी यहाँ मांगता है उसकी विश पूरी होती है, और जो भी गाड़ी है, जो भी ट्रांसपोर्ट वाला है, सबसे ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, और बजा के निकलना है, दर्शन करो, हॉर्न बजा, मतलब इनको याद करके निकलो। हाँ, कोई अनजाने में कोई नया बंदा आया बाहर से तो कोई तकलीफ नहीं, अगर जानते हो भी इग्नोर करते हो तो प्रॉब्लम है, आप अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, अगर आपको पता है कि हाँ ये लेटेस्ट में भी कोई एक्सीडेंट होता है ना इसी रोड पे तो भी बन्ना सब खुद ही आते थे। अच्छा, फिर उनको पता चलता है वो ओम बन्ना से आके उनको हेल्प करने गए, किसी को पता नहीं चलता कि ओम बन्ना है। रमजान से कहीं से भी कोई आ ही जाता है हेल्प करने के लिए बन्ना साहब, वो हमेशा हेल्प में लिए हो रहा है, रेडी है, स्टोरी भी लेटेस्ट में चल ही रहा है। अच्छा, अभी खूब एक्सीडेंट हुए वहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली वहाँ पे हेल्प कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं से कर देंगे अगर आप उस रास्ते पे हो तो। ये भी एक यूनिक चीज़ है,
जैसे बाबा हरभजन सिंह आज भी पहरा देते हैं नाथुला पे, वैसे बहुत सी मतलब इंडिया में कहावतें हैं, मतलब रियलिटी है, कहावत नहीं रियलिटी है। तो तेरा जब इनका दिन होता ना चौदह दिन तो मेला लगता है। अच्छा, काफ़ी शानदार होता है। चलिए बढ़िया, तो आप भी आइए तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। दूसरा टोल मिला है अभी वापसी में, इसके बाद में एक और आएगा अभी, जाते टाइम कितने 5 मिले थे क्या? 3 तो 5 मिले थे ना। आते टाइम अपन 2 खा गए। 150 किलोमीटर में कर 170 किलोमीटर में 5 टोल, सोच लो ये राजस्थान जितना आदमी पेट्रोल है वो के होता है टोल लगते हैं। जितने अगर ढंग से देखा जाए ना 180 किलोमीटर में इतनी सीएनजी नहीं चलती जितने का टोल ले लेते हैं। गजब टोल होगा इतना, तो उत्तराखंड हिमाचल में नहीं है। अरे कहाँ टोल ही नहीं है, मस्त लगता है मेरे को तो जगह ही है। अब भले ही बन जाए चार धाम यात्रा वाला, ये नेशनल फोर लेन बना रहा है आपके लिए पहाड़ों में, तो टोल लेगा ही वो, उसका तो लेगा ही। चलो वो तो करोड़ों रुपए का किया है उन्होंने इन्वेस्टमेंट, करोड़ों नहीं अरबों का इन्वेस्टमेंट है, 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है चार धाम प्रोजेक्ट में। 16,000 कोई भी चलाएगा वहाँ तो, प्लेन रोड है दोनों तरफ धोरे, आपका मन ही नहीं करेगा पैर हटाने का, वहीं बीच में धर लेंगे और बीच में खड़े रहते हैं। 1,000 रुपए का केला सबको पकड़ाते हैं, बाहर की गाड़ियों के चलान 100% करते हैं। 1,000 का केला खाओ ये उठी सी, मैं तो कोई भी ये नहीं है, मतलब आप परमिशन है लाइफ टाइम पे, लाइफ टाइम तो नहीं है यही बन जाना पूछो को नहीं परमिशन कितने टाइम तक दिए और क्या पेपर ले जाओ, है जी को थाना है नहीं थोड़ा मैं काम कराओ एंड रेलवे स्टेशन छोड़ना है। हाँ भाई फाइनली पहुंच चुके हैं जोधपुर, अपना रूम डन हो चुका है, रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही है, क्योंकि यहाँ से मेहरानगढ़ और उमेद भवन दोनों की डिस्टेंस लगभग सेम है, 1-2 किलोमीटर की रेडियस पे दोनों चीज़ें, तो इस स्टेशन के पास ही ले लिया था और भाई लोग अपने घर निकल गए। तो ऐसा कुछ रूम है अपना, 2 बेड लगे हुए हैं जिसमें एक खाली पड़ा रहेगा, एक मैं लटूंगा अकेले, और ये बाथरूम है। सही है, अपना काम चला हुआ है, आज ही बस रुकना है, कल अपनी ट्रेन है, कल निकल लेंगे यहाँ से, आज जुमैद भवन जा सकते हैं और कल मेहरानगढ़ फोर्ट। तो अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, हैव फन, घूमते रहो।